नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपका भाई अभिषेक यादव बोल रहा हूँ और आज हम लोग उसी चैप्टर का क्वेश्चन लेके आए हैं। रेशनल नंबर का, रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का वो क्वेश्चन लेके आए, नेक्स्ट क्वेश्चन उसको हम लोग करेंगे। और आज दो क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ये किस क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा अलग है और ऐसा क्वेश्चन आप लोग को चैप्टर में और भी दिया है तो उसको भी आप लोग करेंगे। और ओवरऑल चीज़ों को आप लोग सीखिए कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग सीखिए। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं और करते हैं। तो आप लोगों को चैप्टर में ये क्वेश्चन दिया हुआ, शायद एस चंद की बुक है, ICSE बोर्ड में चलती है, उसी में दिया हुआ है ये। एक्स इज इक्वल टू इतना, 2 + √3, ओके। एक्स इज इक्वल टू 2 + √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x². तो इसको करने के दो मेथड हैं, या तो ये जो दिया हुआ है एक्स की वैल्यू हम इसमें पुट कर दें, ठीक है, इसमें एक्स की वैल्यू हम पुट कर दें दोनों जगह और फिर इसको हम सॉल्व करें, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा हम लोग को लेंदी पड़ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग, हमको एक्स की वैल्यू पता है तो पहले हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, सेकेंड स्टेप में हम लोग 1/x² की वैल्यू निकालेंगे और फिर इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सम कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा रिजल्ट। आइए इसी स्टेप से हम लोग फॉलो करते हैं। तो पहले हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। तो एक्स की वैल्यू हमको क्या पता है, एक्स की वैल्यू हमको पता है 2 + √3। तो एक्स का स्क्वायर करना है, एक्स की वैल्यू है तो हम इसका क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो अब यह क्या हो जाए, a + b का होल स्क्वायर। उस जो a + b की जो आइडेंटिटी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका a² मतलब ये आपका है फॉर्मूला a² + b² + 2ab, ठीक है। ये किसका होता है, a + b² b² का फार्मूला ये है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे। तो पहले क्या है, पहले a का स्क्वायर, मतलब a यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 + √3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस फिर क्या है 2 × a × b, तो 2 को मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 × 2 = 4, इसमें करेंगे तो √3 मतलब 4√3, ये हमारा आ गया वैल्यू ओपन करने के बाद। 4 + 3 = 7, 7 + 4√3 x², ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, x² की, ओके। ये हमारी वैल्यू आ गई x² की। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमको निकालनी है 1/x² की वैल्यू, ओके। देखते हैं 1/x² की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अभी हम लोग x² की वैल्यू यहाँ निकाले हैं ना, अभी हम लोग जस्ट, हमको तो वैल्यू तो पता है ओनली x की, x के अकॉर्डिंग हम लोग x² की वैल्यू निकालनी है। अब हमको निकालना है 1/x² की, तो 1/x² और यहाँ पे x² की वैल्यू हम अभी निकाले हैं तो x² की वैल्यू इसकी जगह पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/, और x² की वैल्यू क्या है 7 + 4√3। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर क्या है, अभी इरेशनल नंबर है क्योंकि नीचे अभी √3 है, तो हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए इसके नेगेटिव वेरिएबल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 - 4√3 / 7 - 4√3, ओके। आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका a + b × a - b के अकॉर्डिंग इसका वो बन जाएगा, तो 7² a² - b² होगा इसका, मतलब 7² मतलब 49, और माइनस इसका करेंगे हम लोग तो इसका 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 16 × √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, तो अच्छा लिख देते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 × √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। ऊपर क्या आएगा, ऊपर इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ये सेम टू सेम वैल्यू रहेगी, 7 - 4√3। नेक्स्ट स्टेप, 7 - 4√3 /
49 माइनस 48, 16 थ्री जा 48, ओके। ये हमको वैल्यू क्या फाइंड हो गया, ये हमको फाइंड हो गया 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 1, ओके। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 7 माइनस 4 रूट 3। इसको हम लोग ऐसे बॉक्स में कवर कर सकते हैं, ओके। तो अब हमको वैल्यू एक्स स्क्वायर की भी पता चल गई और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की भी। हमको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके। तो आइए हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम लोग ये निकाले हैं, 7 प्लस 4 रूट 3, ओके। हम लोग नोट डाउन करते हैं, 7 प्लस 4 रूट 3, ओके। प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम क्या निकाले हैं, 7 माइनस 4 रूट 3। यहाँ देख रहे हैं, अब ये प्लस 4 रूट 3 और ये माइनस 4 रूट 3, ये आपस में पड़ जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी, 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 14। पेन के रुके चल रही है, ओके। हमारी वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ये 1। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, बिल्कुल सिंपल है। हम इसको दो वे से कर सकते हैं, पहला वे हमारा तो ये होगा कि जो एक्स की वैल्यू है हम डायरेक्ट इस इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है। वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, एलसीएम लेना पड़ता है, फिर मल्टीप्लाई, तो ऐसे हम सेपरेटली भी कर सकते हैं, अलग से इसकी वैल्यू निकाल लें, अलग से इसकी वैल्यू निकाल लें और लास्ट में दोनों को सम कर दें, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का ये है, ओके। रूट 7 माइनस 1 अपॉन रूट 7 प्लस 1 माइनस रूट 7 प्लस 1 अपॉन रूट 7 माइनस 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 7। तो ये पूरा इक्वेशन दिया हुआ है, ओके। ये पूरा मैटर दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या पूछा हुआ हम लोग से, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद हमको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हम इस फ्रेम में लाना चाहेंगे, ठीक है, इस फ्रेम में लाना चाहेंगे। तो इस फ्रेम में आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ए की वैल्यू अलग सेपरेट कर लेंगे, बी की वैल्यू अलग सेपरेट कर लेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 प्लस 3, ओके। अगर ऐसी चीज़ हमको सामने बन जाएगी तो यहाँ पे हमको देख के क्या लग रहा है कि ए की वैल्यू 5 होगी और बी की वैल्यू 3 होगी, है कि नहीं। तभी ना ए की वैल्यू 5 हम पुट कर सकते हैं और बी की वैल्यू 3 हम लोग गेस कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर इस फॉर्मेट में हम इस तरफ सॉल्व करके हम ला दें तो हम ए की वैल्यू अलग और बी की वैल्यू अलग निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि ये रूट 7 प्लस 1 है और रूट 7 माइनस 1 है। अगर ये सेम नहीं होता, मतलब सेम तो है लेकिन इसका पॉजिटिव वेरिएंट भी है और नेगेटिव वेरिएंट भी है, तो दोनों हमारा नीचे डिनोमिनेटर में अवेलेबल है। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो मल्टीप्लाई होंगी तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन जाएगा। तो इसका हम स्क्वायर रूट कर सकते हैं, मतलब रूट जो रूट है इसका स्क्वायर कर सकते हैं और ये रूट हट जाएगा। अगर ये सेम नहीं होता तो हमको अलग अलग करना पड़ता है, इसका रेशनलाइजेशन यहाँ करते हैं, इसका रेशनलाइजेशन यहाँ करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, वो लंबा हो जाता तो ये। लेकिन हम लोग को ये एलसीएम वाला मेथड तभी करेंगे जब ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वेरियंट दिया हो, ठीक है। आइए हम लोग एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा रूट 7
प्लस वन इंटू रूट सेवन माइनस वन। अब एलसीएम लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करते हैं, तो इस चीज़ से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी, बचेगी कौन सी, ये वाली वैल्यू, तो इस वाली वैल्यू का हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो देख रहे हैं कि ये और ये दोनों क्या है, दोनों सेम है, जब सेम चीज़ का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाता है, ऊपर क्या हो जाएगा रूट सेवन माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस, सेम चीज़ यहाँ पे होगा, इसका हम नीचे जब इसमें एलसीएम में मतलब डिवीजन करेंगे तो ये वैल्यू कट जाएगी, बचेगा कौन सा, ये वैल्यू, और जब इसका हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर में तो ये चीज़ें सेम है तो सेम चीज़ का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहाँ भी रूट सेवन प्लस वन का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसको हम लोग ओपन करेंगे आइडेंटिटी से, ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से, और इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से, इसको ओपन करेंगे तो ये रूट सेवन का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू रूट सेवन इंटू वन, हमारा यही बनेगा ना, ठीक है, माइनस इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट सेवन का होल स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू रूट सेवन इंटू वन। ओके, हाँ ये ध्यान दीजिएगा बाहर माइनस है तो इसको ब्रैकेट हम ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बाहर माइनस का सिंबल है तो सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे। ओके, नीचे हमारा क्या आ जाएगा रूट सेवन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका रूट सेवन का स्क्वायर होगा तो सेवन आ जाएगा, सेवन प्लस वन प्लस टू रूट सेवन माइनस, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये चीज़ें पॉजिटिव हैं ये माइनस हो जाएंगे तो माइनस सेवन, और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस है माइनस वन आएगा, फिर ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, मतलब टू रूट सेवन अपॉन सेवन माइनस वन मतलब सिक्स। ओके, ये कितना हो जाएगा हमारा एट प्लस टू रूट सेवन, ये माइनस 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 प्लस, मतलब होगा प्लस लेकिन सिंबल लगेगा माइनस का, तो सेवन और वन कितना हो जाएगा एट, और ये भी आपका माइनस टू रूट सेवन। ओके, हम ये देख सकते हैं सेवन माइनस वन करेंगे तो ये आपका सिक्स आएगा। ओके, सॉरी गाइज, लग रहा है हमने गलती कर दी है या हाँ, ये ए माइनस बी है ना, तो ए माइनस बी तो यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी ये गलती हो गई थी, ये चीज़ हमारा निगेटिव हो जाएगा, ये माइनस रहेगा तो यहाँ भी निगेटिव आएगा। ओके, ये हम ध्यान दे दिए, पूरा प्लस करके चले हैं, तो अभी हमारा क्या होगा प्लस एट और माइनस एट कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस है लेकिन ये दोनों ऐड होंगे और सिंबल माइनस का ही लगेगा, माइनस फोर रूट सेवन अपॉन सिक्स, ये हमारा किसके इक्वल आया है ए प्लस बी रूट सेवन के इक्वल आया है। ओके, तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये वैल्यू तो एक ही है लेकिन इधर दो है, तो अभी ये पूरा सेप तो हमारा इसके इक्वल नहीं आया है, हम क्या करेंगे, हमको तो उसको इक्वल लाना है, इक्वल लाएंगे तभी तो हम इसको दोनों को अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं, तो एक चीज़ हम इसमें कर सकते हैं, अगर इसकी वैल्यू जिससे इसकी वैल्यू चेंज ना हो, हम इसमें ये कर सकते हैं ज़ीरो प्लस ये माइनस, इसकी पूरी माइनस की वैल्यू हम सेपरेट कर लेते हैं फोर रूट सेवन अपॉन सिक्स। ओके, इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट सेवन। अब यहाँ पे चीज़ें आप लोग को दिख रही हैं कुछ, ज़ीरो प्लस करने से तो इसकी वैल्यू हमारा चेंज नहीं होगा, ये तो वैल्यू जैसे का तैसे है, ये टोटल वैल्यू यही है, लेकिन हमारा फॉर्मेट ये बना कि नहीं, कुछ फॉर्मेट बन गया,
तो अब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ए इज इक्वल टू ज़ीरो एंड बी रूट सेवन इज इक्वल टू माइनस फोर रूट सेवन अपॉन सिक्स, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो रूट सेवन दोनों, ये जब इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये डिवीजन हो जाएगा, इक्वल टू के इस तरफ जाता है डिवीजन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ें, तो इसको हम लोग यहाँ से डायरेक्ट काट सकते हैं। तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस फोर अपॉन सिक्स। ओके, ए इज इक्वल टू ज़ीरो। दोस्तों ये हमारा आ गया आंसर। ओके, इस चीज़ों को आप लोग फिर से देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, और सॉरी गलती हो गई थी, हम ध्यान नहीं दिए, माइनस करना चाहिए था, प्लस प्लस करते चले आ रहे थे, तो वो चीज़ हमसे गलती हो गई। और लेकिन बाकी दोस्तों सब सही है, वो गलती को आप लोग भी देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, लेकिन बाकी जो ओवरऑल चीज़ें हैं वो चीज़ें सही हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं, मेथड एकदम सही है, मेथड यही है। और आप लोग इसके अकॉर्डिंग और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन इसमें और दिया हुआ है बुक में, तीन चार क्वेश्चन और दिया हुआ है, तो इसी के अकॉर्डिंग उसको भी आप लोग करेंगे। और ठीक है दोस्तों, आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सबके पास ये पहुँचे, सब लोग देखें, सब लोग उसका कोरोना टाइम में लाभ उठाएँ। थैंक यू।